एंड वेलकम टू इकोलिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे सोलो मॉडल क्या होता है और न्यू क्लासिकल मॉडल्स को हम क्यों कहते हैं, और इसके अलावा देखेंगे कि ये वीडियो दो पार्ट में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों सोलो मॉडल इंपॉर्टेंट है, सोलो मॉडल किस किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आपने हैरड डोमर मॉडल का पिछला वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर नहीं देखा है तो आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी लेके दे रहे हैं, या फिर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं, डीईपीआर का, गेट इकोनॉमिक्स, एमए एंट्रेंस, और भी कई सारे एग्जाम होते हैं जब कोर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसमें ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैरड डोमर और सोलो मॉडल के अलावा कोई और मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने दो, ये दो इंपॉर्टेंट मॉडल इंपॉर्टेंट भी हैं और कनेक्टेड भी हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस मॉडल में क्या मेन बातें उन्होंने की है सोलो ने। सबसे पहले देखेंगे सोलो कौन है। रॉबर्ट सोलो नोबेल लॉरियट है, और जेई मीड। रॉबर्ट सोलो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे एंड जेई मीड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इन दोनों ने मिलकर न्यू क्लासिकल मॉडल बनाया। तो मीड का मॉडल बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल है और वो किसी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सोलो मॉडल होता है। तो हम देखते हैं कि सोलो मॉडल में क्या कहा गया था। सबसे पहले 1950s और 60s में ये मॉडल आया पहली बार। इसका मतलब हैरड डोमर मॉडल, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता होगा हैरड डोमर मॉडल से पहले आया। तो इसका मतलब इस वीडियो में हम हैरड डोमर मॉडल से इसका कंपैरिजन भी देख सकेंगे। तो 1950s 60s में सोलो और मीड दोनों ने न्यू क्लासिकल मॉडल निकाला। अब न्यू क्लासिकल मॉडल है जो किस चीज़ पर स्ट्रेस डालता है। सबसे पहले वो बात करते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन की। अब कैपिटल एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आ रहा है उसको इकट्ठा करना है ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें। अभी कैपिटल एक्यूमुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट क्या है, कहाँ से आएगा कैपिटल? सेविंग्स है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट क्या हो गया? सेविंग्स। क्योंकि जब आप सेव करोगे तभी आपके पास कैपिटल होगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे और इकोनॉमी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो इस सेम लाइन पर दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है सोलो मॉडल में वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे हम कोई भी फैक्टर्स हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं या फिर कोई भी टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, उसके लिए हमको कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो उसको बनाने में हेल्प करते हैं। वो क्या होते हैं? वो होता है कैपिटल, सबसे पहले पूंजी चाहिए है ना, और दूसरा है लेबर, बिना लेबर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये लेक्चर में कैपिटल क्या है? ये कैमरा है ना। लेबर क्या है? जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज लेबर वर्क। सो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कैपिटल और लेबर, दो न्यू क्लासिकल मॉडल में इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हुए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने बेसिक चीज़ क्या कहा है ना। तो ये दो फैक्टर्स हो गए। अब उसके बाद कैपिटल एंड सेविंग इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इनकी इक्वेशन देखें जो सोलो ने दी है वो होती है y is equals to AFKL। अब एक डिफरेंट कलर का मार्कर लेते हैं जिससे कि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये A वाला फैक्टर, इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। पहले हम रीनेम इसको नेम दे देते हैं कि क्या है। ये GDP है, GDP ग्रोथ रेट। A को हम कहते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। F फॉर फंक्शन, K का मतलब है कैपिटल पूंजी, और लेबर L, तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। मतलब अगर आपको इस GDP अचीव करना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और कैपिटल लेबर चाहिए। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो हम फिर से ये इक्वेशन तीन बार लिखते हैं। ठीक है, अब पहले दो बार लिख के समझ लेते हैं, फिर तीसरी बार मैं आपको अलग से लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें आपने देखा होगा कि A जो है वो कैपिटल के साथ अटैच्ड है, पहले ब्रैकेट के बाहर था अब ब्रैकेट के अंदर है। यहां पर A लेबर के साथ अटैच है, इसका क्या मतलब है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैपिटल को ही इम्प्रूव करेगी। जैसे आप एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं
उसमें रैम कम है, आप ज़्यादा अच्छा लैपटॉप लाते हैं उसकी स्पीड बढ़ती है तो आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी। दूसरा लेबर, कोई आदमी अकाउंटेंट है और वो मैनुअली हाथ से अकाउंट्स टोटल कर रहा है, सारा चीज़ कर रहा है, उसको टाइम लगेगा। अगर आप उसको कैलकुलेटर दे दोगे तो काम जल्दी होगा, अगर आप उसको कंप्यूटर दे दोगे तो एक्सेल शीट पे काम और जल्दी होगा। तो इस तरह से लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कैपिटल की वही रहेगी, पर इन दोनों ही केस में ग्रोथ रेट पे ज़रूर इफेक्ट आएगा और वो इंक्रीज होगी। पर ये इसको हम कहते हैं लेबर ऑगमेंटिंग ग्रोथ रेट, इसको हम कहते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग ग्रोथ रेट। बट अगर इस ए फैक्टर को, जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, वाई इज इक्वल्स टू ए एफ के एल, अगर हम ये लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, ये हमारी सोलो की मेन इक्वेशन है, हमने सबसे पहले लिखी थी कि हाँ जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों को बराबर से इफेक्ट कर रही है, इसलिए हम पहली दो को रिजेक्ट करते हैं और जो मेन इक्वेशन सोलो मॉडल की है वो ये वाली है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये इक्वेशन पूछी जाती है, आपको ग्रोथ रेट दी जाएगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आपको ये हेल्प करेगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हैरेड डोमर मॉडल जो इनके पहले आया था उससे सोलो मॉडल का क्या डिफरेंस है और क्यों हम इसको न्यू क्लासिकल कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू क्लासिकल मॉडल डिफर कहाँ करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इनके जो फैक्टर्स होते हैं उसको वो वेरिएबल प्रोपोर्शन में है, वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या मतलब है कि जो फैक्टर्स हैं इनके, मैंने बताया था कैपिटल लेबर, तो कैपिटल लेबर की आपस में सब्स्टिट्यूशन की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, मतलब कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और इसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है, बल्कि हैरेड डोमर में क्या था, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में था, तो यहाँ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बड़ा डिफरेंस है सोलो मॉडल में और हैरेड डोमर मॉडल में। तो सोलो मॉडल में क्या है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है वेरिएबल प्रोपोर्शन को सब्स्टिट्यूट करने की, हैरेड डोमर में फिक्स था। दूसरा चीज है प्लांट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, प्लांट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यहां पर इक्वल होती है और वो इक्वल क्यों होती है, क्योंकि जो प्राइजेस हैं वो क्विकली एडजस्ट हो जाती हैं अपने आप। आपको पढ़ा होगा क्लासिकल मॉडल में क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, प्राइजेस अपने आप एडजस्ट होंगी अकॉर्डिंग टू मार्केट। तो यहां पर भी यही कहते हैं, प्राइजेस यहां पे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट भी उनके कहने का मतलब है अपने आप मार्केट फोर्सेस के द्वारा वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो प्राइजेस और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट वो अपने आप एडजस्ट होते हैं, बल्कि हैरेड डोमर मॉडल में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस है सोलो मॉडल और हैरेड डोमर मॉडल में। अब इसको हम इसी वजह से क्लासिकल कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई साइड फैक्टर्स को इंक्लूड करता है। सप्लाई साइड फैक्टर्स है मेनली कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें हमने ब्रैकेट के बाहर ए को क्यों रखा था इक्वेशन में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सोजेनसली डिटरमाइंड है, इसका मतलब वो मॉडल के बाहर है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में नहीं रखा था। और मॉडल के बाहर होता है तो हम उसे कहते हैं एक्सोजेनसली, मॉडल के अंदर होता है तो हम उसको कहते हैं एंडोजेनसली। तो आपने सुना होगा एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, आने वाले कुछ वीडियो में हम उसको ज़रूर देखेंगे। तो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इसलिए सप्लाई साइड फैक्टर्स देखता है और इसी की वजह से इसको क्लासिकल कहते हैं, पर क्लासिकल के बाद आया तो इसलिए वर्ड न्यू उसमें जुड़ गया। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें ग्रोथ जो है वो शॉर्ट टर्म में तो तेज़ी से बढ़ेगी, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ रेट को लिमिट लगाएगा, इसका मतलब रोक लगाएगा या फिर ग्रोथ डिक्लाइन होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं HD, हैरेड डोमर मॉडल में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स अगर डिक्लाइन होती है तो ग्रोथ रेट पर लिमिट लगती है, मतलब ग्रोथ रेट रुक जाती है, कम हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। वहीं सोलो मॉडल में ग्रोथ रेट को डिक्लाइन होने के लिए एक फैक्टर है, वो है जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने लग जाते हैं, है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन कैपिटल वो लिमिट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को न्यू क्लासिकल मॉडल। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होता है, रेड डोमर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड है जो लोगों की वो कम हो जाती है तब ग्रोथ रुक जाती है। सोलो मॉडल में कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे रिटर्न्स जो हैं वो गिरने लग जाते हैं, ऐसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स आ तो रहे हैं बट
इफ वी कंपेयर उसके पहले वाले पीरियड से तो कम होते जाते हैं। तो एक ये मेन सोलो मॉडल का एक वीडियो था जिसमें कंसेप्चुअली मैंने आपको बताया कि सोलो मॉडल हैरेड डोवर में डिफरेंस क्या है और सोलो मॉडल का बेस क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इकोहॉलिक्स को तो आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी इसका बेनिफिट हो एक्सप्लेनेशन का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा लाइव क्लासेस अवेलेबल है इकोहॉलिक्स पे, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, गेट इकोनॉमिक्स ना, RBI, DPR, UGC, NET, सारा लाइव क्लासेस अवेलेबल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे सारे कोर्सेज का लिस्ट है। इसके अलावा आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है तो नंबर्स जो स्क्रीन पे आ रहे हैं आपके सामने आप उस पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ फ्री डाउट फैसिलिटी है, वहाँ पे एकेडमिक टीम है आपके डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।